सिटी मेडिकल कॉलेज में अभी एक हफ्ते पहले ही एडमिशन लेकर आई स्मृति, जब रात के करीबन 1 बजे सीनियर गर्ल्स हॉस्टल के मेन गेट से बाहर निकली, तो उसे देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ये इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। सेकेंड ईयर की सीनियर स्टूडेंट्स जितनी बदतमीजी से फ्रेशर्स की रैगिंग कर रही थी, उसे बता पाना भी मुश्किल था। स्मृति किसी तरह खुद को संभालते हुए जूनियर हॉस्टल वापस आई, सेकेंड फ्लोर पर अपने रूम में पहुंची और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी तकलीफ किससे कहे, क्योंकि जूनियर हॉस्टल की कितनी ही लड़कियां अभी भी सीनियर हॉस्टल में थी जिनकी रैगिंग अब भी चल रही थी। तो वो अकेली नहीं थी जिसके साथ ये सब हो रहा था, लेकिन अब जो हो रहा था उसे और सह पाना शायद उसके बस में नहीं था। रैगिंग के नाम पर हो रही इस गंदगी को चलते हुए अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। कॉलेज की नई नई पढ़ाई, आने वाले एग्जाम्स का प्रेशर और खुद को बेहतर साबित करने की होड़, सब कुछ इस तकलीफ के सामने मानो धुंधला होता जा रहा था। कभी तो जी में आता कि घर फोन करके सब कुछ बता दे, तो कभी मन करता कि हॉस्टल वार्डन के पास जाकर एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दे, लेकिन फिर लगता कि अगर ये बात सीनियर्स को पता चल गई तो फिर वो कहीं किसी और बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। उसके मन में अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उसके रूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। क्या कर रही है जूनियर? स्मृति ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक सीनियर स्टूडेंट खड़ी थी जिससे वो अब तक मिली नहीं थी। कुछ नहीं मैम, बस वो सोने जा रही थी, स्मृति ने किसी तरह अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। सोने जा रही थी या रोने जा रही थी? ये बात सुनते ही स्मृति की आंखें भर आई। अच्छा चल आंसू पोंछ और ये बता, किसने ली तेरी रैगिंग? नहीं, किसी ने नहीं ली मैम। अच्छा, किसी ने नहीं ली, तो चल फिर मैं लेती हूँ, चल कपड़े उतार। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। स्मृति की आंखों में फिर आंसू भर आए। अरे मजाक कर रही हूँ, चल आराम से बैठ अभी। ये कहते हुए वो अपनी जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगी। चल अब नाम बताओ उनके। मैम उन्हें पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो उन्हें पता ही तो लगवाना है, नाम बता जल्दी। मैम रूपाली मैम, दीपिका मैम और तनुश्री मैम। अच्छा जब कल ये लोग तुझे बुलाए ना, तो उन्हें जाकर बोलना कि तू नैना जायसवाल की खास जूनियर है। नैना जायसवाल? मेरा नाम नैना जायसवाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तेरी रूपाली मैम, दीपिका मैम और तनुश्री मैम की भी सीनियर, समझी? जी मैम, थैंक यू मैम। अगली सुबह जब स्मृति अपने हॉस्टल से कॉलेज की तरफ निकली, तो उसका कॉन्फिडेंस आज एक अलग ही लेवल पर था। अब वो फर्स्ट ईयर की नई सी मासूम सी फ्रेशर नहीं थी, अब वो फोर्थ ईयर की धाकड़ सीनियर नैना जायसवाल की खास जूनियर थी। कॉलेज के गेट पर खड़े हुए सीनियर्स को इग्नोर करते हुए वो कॉलेज कैंपस में ऐसे दाखिल हुई जैसे वो उनकी सीनियर हो। आज पूरे दिन लेक्चर्स के दौरान भी उसके चेहरे का नूर और कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर था। लेकिन जब थर्ड लेक्चर के बाद सभी जूनियर्स लंच के लिए हॉस्टल मेस की तरफ बढ़े, तभी स्मृति को रूपाली और तनुश्री ने रोक लिया। क्यों हीरोइन, सुना है आज बड़े उछलते हुए एंट्री लिया कैंपस में? देखिए मेरा लंच का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग मुझे जाने दीजिए प्लीज। ओ लंच का टाइम, तू बड़ी कॉलेज की डीन है ना, जो तेरा टाइम वेस्ट हो गया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। तबाही ही आ जाएगी अगर आप लोगों ने मुझे अभी जाने नहीं दिया तो, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये कहते हुए रूपाली उसे एक थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ी, तो स्मृति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये गलती मत करना मैम, वरना नैना जायसवाल से बोल दूंगी। नैना जायसवाल? हाँ नैना जायसवाल। तू कैसे जानती है नैना जायसवाल को? कल रात मेरे रूम में साथ बैठकर सिगरेट पिए हमने। और बस, ये बात सुनते ही रूपाली और तनुश्री वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। आपका नाम सुनते ही वो दोनों ऐसी भागी वहां से कि आप पूछिए मत। स्मृति आज पहली बार अपने रूम में रात के इस वक्त नैना के साथ बैठकर हंसते हुए ऐसे बातें कर रही थी। मुझे पूछने की जरूरत है भी नहीं, मुझे मालूम है मेरे नाम का असर, नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। थैंक यू सो मच मैम। अरे थैंक यू कैसा? नहीं मैम, आपको नहीं पता मैं कल रात कितनी स्ट्रेस थी, अगर आप नहीं आती तो न जाने मैं क्या कर लेती। इसीलिए तो मैं आई, ताकि तू कुछ करना ले। मतलब फर्स्ट ईयर में मैं इसी रूम में रहा करती थी, तो मतलब तू मेरी रूम जूनियर हुई।
और अपनी रूम जूनियर को ऐसे कैसे स्ट्रेस में रहने देती? लेकिन मैम, फिर मेरी बाकी बैचमेट्स की रूम सीनियर्स उनसे क्यों नहीं मिलती? शायद उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। ये दुनिया है स्मृति, सब सिर्फ अपने मतलब से ही मिलते हैं, ऐसे कोई किसी से नहीं मिलता। लेकिन मैं तो कितनी लकी हूं जो मुझे आप मिल गई। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लकी तो तू है। अगली सुबह एक बार फिर स्मृति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई। लेकिन आज क्लास में पहुंचने पर पता चला कि कॉलेज की डीन मिसेस सरदाना ने सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया है। सभी स्टूडेंट्स इस तरह अचानक ऑडिटोरियम में बुलाए जाने पर थोड़े हैरान थे। लेकिन जब सभी लोग ऑडिटोरियम में पहुंचे तो वहां पहुंचकर पता चला कि फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट ने सीनियर्स के अगेंस्ट रैगिंग को लेकर ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी थी। ऑडिटोरियम में एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ साथ कॉलेज की डीन मिसेस सरदाना पहले से ही मौजूद थी, और जैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वहां सेटल हुए तो उन्होंने उनसे बात करनी शुरू की। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी हैव रिसीव्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल कंप्लेंट फ्रॉम वन ऑफ योर बैचमेट्स रिगार्डिंग लेट नाइट रैगिंग एक्टिविटीज इन सीनियर गर्ल्स हॉस्टल। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूं कि इस कॉलेज में मेरे और इस एंटी रैगिंग कमेटी के होते हुए आपको किसी भी तरह के हरासमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही उन्होंने अपने लैपटॉप पर क्लिक किया और सबके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट हुई जिस पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे थे। आप में से किसी के भी साथ कोई भी सीनियर स्टूडेंट किसी भी तरह की बदतमीजी करे तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिएगा एंड वील बी देयर टू हेल्प यू आउट। और एक गहरी सांस भरते हुए उन्होंने सबसे कहा, 3 साल पहले भी हमने इसी तरह की ब्रूटल रैगिंग के चलते अपनी एक ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया था। ये कहते कहते उन्होंने फिर एक बार अपने लैपटॉप पर क्लिक किया और सबके सामने आई एक लड़की की तस्वीर, वो लड़की जिसे उस पूरी भीड़ में सिर्फ स्मृति जानती थी। मिसेस सरदाना ने कहा, हम नहीं चाहते कि रैगिंग की वजह से फिर एक बार इस कॉलेज कैंपस में नैना जायसवाल जैसी ब्राइट स्टूडेंट अपनी जान दे दे, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम आपके साथ हैं। मिसेस सरदाना की यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सभी को लास्ट रो में से किसी के बेहोश होकर गिरने की आवाज आई। जब तक स्मृति को उठाकर आईसीयू में लाया गया, उसका हार्ट फेल हो चुका था। और फिर एक बार सबको यही लगा कि सीनियर्स की रैगिंग के चलते एक और ब्राइट स्टूडेंट की जान चली गई।